अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, फवाद आलम को श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौका मिलेगा या नहीं, मदाहों के लिए अहम खबर आ गई। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्त भी फवाद आलम के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फवाद आलम को सब्र का फल मिलने का अमकान। दोस्तों, और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इनका नाम भी ज़ेर गौर। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के दोनों मैच में मायूस कन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पाकिस्तानी टीम का दूसरा इम्तिहान श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में होगा। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक एक टेस्ट की दोनों इनिंग में सिर्फ 9 रन बनाने वाले हारिस सुहेर के करियर पर सवालिया निशान लग चुका। दोस्तों, जबकि अमामुल हक भी एलीट टेस्ट में मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाने में कामयाब ना हो सके। दोस्तों, जिस पर दोनों को ही टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। दोस्तों, इनकी जगह फवाद आलम और समी असलम को टीम में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले फवाद आलम का नाम जेरे गौर आने का कभी अमकान। दोस्तों, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 56,057 की औसत से 12,000 से ज्यादा रन जोड़कर आलमी टॉप परफॉर्मेंस की फहरिस्त में 12वें नंबर पर मौजूद हैं। दोस्तों, क्या फवाद आलम को कौमी टीम में शामिल किया जाए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक जैन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जैन टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।